अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो 2025 के अंत तक आईएएफ के चार पायलटों प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला में से तीन को आंध्र प्रदेश के हरिश्री कोटा से लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के जरिए 7 दिनों के स्पेस मिशन पर लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जा चुका होगा। LV-M3 रॉकेट GSLV का संशोधित रूप है। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। कई दिग्गज पायलटों वाली शुरुआती सूची में से इन चारों को सख्त सिलेक्शन प्रोसेस के आधार पर चुना गया है। कई दौर की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं पास करने के बाद इन्हें अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण के लिए रूस के यूरी गैग्रिन कॉस्मोनॉटिक ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया। वहां 1 साल का ट्रेनिंग कोर्स पूरा करने के बाद ये बेंगलुरु स्थित न्यू एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में अंतरिक्ष तैयारियों के लिए भारत लौटे हैं। एक बार LEO में पहुंचने के बाद पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने, बंगाल की खाड़ी में गिरने और भारतीय नौसेना के जहाजों द्वारा निकाले जाने से पहले ये गैगनॉट्स कई तरह के वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। गगनयान की उड़ान के दौरान मिशन पर कंट्रोल बनाए रखने की मदद के लिए इसरो ने श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित एक द्वीप समूह में एक ग्राउंड स्टेशन स्थापित किया है। भारत की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान से पहले कई मानव रहित गगनयान मिशन होने हैं। गगनयान की कामयाबी भारत को रूस, अमेरिका और चीन के बाद मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान हासिल करने वाला 4th देश बना देगी। 1984 में भारत सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजा गया था, लेकिन उसके बाद से अब तक भारत ने किसी को भी अंतरिक्ष में नहीं भेजा है। इसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के अलावा इसमें लगने वाली भारी लागत की भी भूमिका रही। इस वजह से इस दौरान इसरो ने सामाजिक आर्थिक विकास पर केंद्रित उपग्रहों का निर्माण और प्रक्षेपण जारी रखा। मगर एक दिलचस्प बात ये रही कि इस बीच हालात बड़ी तेजी से बदले। जिस गति से प्रौद्योगिकी की दुनिया बदली, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सस्ते हुए, उसने असंभव को संभव बना दिया। इसरो के लिए मानव युक्त अंतरिक्ष अभियानों का विचार करने की राह खुल गई। हालांकि भारत के लिए मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान की दिशा में बढ़ने की ज्यादा बड़ी वजह बनी राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं। इन चिंताओं को ज्यादा समय तक अनदेखा नहीं किया जा सकता है। ध्यान रहे, 60, 70 और 80 के दशकों में शीत युद्ध के दौरान भारत अंतरिक्ष दौड़ में प्राय उदासीन ही रहा। अंतरिक्ष शक्ति के रूप में चीन के प्रभुत्व ने अमेरिका और सोवियत संघ को चुनौती दी। स्थिति बदली 2007 में, जब चीन के एंटी सैटेलाइट टेस्ट ने भारत को अंतरिक्ष संबंधी लक्ष्यों पर दोबारा विचार करने के लिए प्रेरित किया। जल्द ही स्पष्ट हो गया कि भारत के सामने ज्यादा विकल्प नहीं थे। देश की अंतरिक्ष संपत्ति की सुरक्षा के लिए इस रास्ते पर तेजी से बढ़ना ही था। इसरो ने न केवल मिलिट्री प्रोफाइल हासिल किया, बल्कि मार्च 2019 में पूरी गरज के साथ दुनिया के सामने इसकी घोषणा भी कर दी, जब भारत ने LEO में एक टारगेट सैटेलाइट को मार गिराकर अपनी एसेट क्षमता का प्रदर्शन किया। देश की इन बदलती हुई प्राथमिकताओं में एक सक्रिय मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम और इसके साथ साथ चंद्रमा और ग्रहों से जुड़े मिशन शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले दिनों घोषित लक्ष्य के मुताबिक अगर भारत को 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है तो एक पूर्ण मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को टाला नहीं जा सकता। दुनिया की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत के लिए गगनयान निश्चित रूप से एक बड़ी छलांग होगी। इससे इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते आर्थिक और सैन्य प्रभुत्व को संतुलित करने में भी मदद मिलेगी। ध्यान रहे, चीन न केवल 20 साल पहले ही अंतरिक्ष में इंसान भेज चुका है, बल्कि उसके बाद भी अलग अलग मिशन के जरिए इस क्षेत्र में लगातार अपनी गति बनाए हुए है। उसका स्थायी चालक दल वाला अपना अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन तो है ही, वह पृथ्वी चंद्रमा आर्थिक क्षेत्र बनाने की भी कोशिश कर रहा है। भारत ने समझदारी ये दिखाई कि अमेरिका, रूस, जापान और यूरोप के साथ अंतरिक्ष साझेदारी तो स्थापित की ही, लेकिन इस दौरान किसी भी अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा से बचा रहा। 2014 में मार्स ऑर्बिट मिशन, जिसने भारत को अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का एकमात्र देश बना दिया।
और चंद्रयान 3, जिसके तहत भारत ने पिछले साल चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। ऐसे मिशनों ने स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में एक भरोसेमंद भागीदारी के रूप में भारत की साख को चमका दिया है। कहने की जरूरत नहीं कि तिरंगे के साथ मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान से इंटरनेशनल स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स और भविष्य के मानव युक्त अंतरिक्ष मिशनों में भारतीय भागीदारी की संभावनाओं में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और वीडियोज भी हम आपके लिए लाते रहें।